महाराज इतने को लोन लेके नहीं मोड़ता, तुम राज भाग देने लगे हो। अरे हमारी बात और है। अच्छा जी हाँ। कोई नहीं, कर दूंगे जी, मुनादी करो, कर दूंगे, कर दूंगे। ऋषिवर हम आपको प्रणाम
करते हैं। तुम्हारा कल्याण हर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नौकर यही बोला ऋषिवर हैं। अच्छा जी, इनको हमने सपने में राजभाग नाम दिया है। तो आपने रोहित महाराज को लेकर आइए। महाराज, तो आपने हमें पहचान लिया है क्या? हाँ ऋषिवर, हमने आपको पहचान लिया है। हम आपसे आपका राज पाठ लेने के लिए नहीं, आपसे जय कहने के लिए आए हैं। ये महाराज, सपने में कही हुई बातें सत्य नहीं होती। ऋषिवर, हमने आपको दान दिया है। अगर हमने आपको दान नहीं देना होता तो हम मनादी कर आपको यहाँ नहीं लौटाते। दादा, ऋषिवर को प्रणाम करो। हम आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद करो ऋषिवर। आज के बाद अयोध्या का निराज आपका है। एक क्षत्रिय की पहली निशानी उसकी ये परवार होती है। अरे महाराज, जय जय हरिश्चंद्र। हमने आज से कहा है जैसे सपने में कही बातें सत्य नहीं होती। जवान से लेकर अपनी को बिगाड़ कर दिया था, इसी तरह जवान से कही बात को बिगाड़ कर दी। हाँ ऋषिवर, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब हमने जवान से ये कह दिया कि राजभाग आपका है तो ये आपका है। Come on.
पानी का भी बोले यार
तलवार होती है। तलवार बनेगा जी, चलो आओ मैं पालन ना। क्या है जी? क्या मुझे पहना? उसी पड़ा है जी। मैं क्या मेले में कुछ चीज छाप दूँ पे? उसी पालन ना। अरे बुरे, अरे चले हमें शीशा में दिखाओ कि हम कैसे लगते हैं। अच्छा सेल्फी खींचनी है, मूवी बनानी है। ले आ जी अपना यार, ए सीधे खड़े जी, सीधे इधर पीछे चलो। वो बाजी कुर्सी से पोज बनाई है ना, दे वो कुर्सी दे दे भरावा, कुर्सियां गड्डी करना बैठा। ए एक लत चेको जी, हुण दूई लत भी चेको। ओ महाराज पोज बनाना, मैं पोज वधिया तरीके नाल बनाऊंगा। हेलो सेल्फी ले ले ले, मैं खिचदा खिचदा खिचदा। आईफोन में एप्पल का फोन लिया मेरा। खड़ो बैठ का ते के थोड़े तांगे ही हो खड़े हो। लत चेको सीधी लत। हां ले, हां हां हां, बैक पोज बनाना, बैक पोज। महाराज जी थोड़े को सट सुट लगी हो, कोई सट सुट लगी हो? अरे क्या कह रहा पूरा छोटा जा दाग ही आ रहा है साडा। चलो जी छोड़ो, तुम अपना नाम दसो, थोड़ा नाम की है? हमारा नाम है विश्वामित्र। बोलो राजा विश्वामित्र की, राजा विश्वामित्र की, राजा विश्वामित्र की। अरे कहां भाग गया तू? कितने दिन की मोहलत चाहता है आप हमें?
15 रोज की मोहलत दे दीजिए। हम आपको काशीपुर के बिंदु घाट पे आपको 250 सोना दक्षिणा तो ठीक है हरिचंद्र, हमें 15 आपको 15 दिन की मोहलत देते हैं। अगर आपने 15 दिन के बाद भी हमें वो 250 सोना दक्षिणा दे दी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है हरिचंद्र, सही है, चलिए Yeah.
माता जी कहाँ चले गए। Yeah.
अरे पीना, अरे बेटा चॉकलेट लेके दूंगा। मैं नहीं पीऊंगी। अरे तुझे मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉफी लेकर दूंगा बेटा। अरे पानी पी ले बेटा। मैं नहीं पीऊंगी। अरे क्यों नहीं पिएगा, क्यों नहीं पिएगा बेटा? आप और बस बता दीजिए, आपने मेरे माता की तरह देखा है। एक लंबी सुहार, एक लंबा सफर, वो तुम्हारे गाँव आ गया बेटा जी। अरे बेटा बोलो पानी पी के लिए तो दे, अरे पी ले। Thank you.
ਢੁੰਡ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਨਿਆਈ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਲੋਕੋ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਕੋ ਹਮ ਬਦਲ ਸੀਵ ਇਨਸਾਨ आपके शहर में अपनी बीवी और अपने बच्चे को बेचने के लिए आया हूं हाय बिकने न आए कोई खरीद नौकरी पानूं हाय बिकने न आए कोई खरीद नौकरी पानूं और लगे आगे लेकिन आप हम पे एहसान कर दीजिए
हमारे साथ हमारे छोटे से बच्चे को भी खरीद लीजिए। हम अपने बच्चे के सिवाय नहीं रह सकते। कोई बात नहीं लड़की। अरे ऋषिवर, इस बच्चे का क्या नाम है? अरे सेठ जी, ऋषिवर, इस बच्चे का नाम होगा। अरे ऋषिवर, हम इस बच्चे को भी खरीद लेंगे। तो ठीक है सेठ जी, इसका दाम चुकता कर दीजिए, आप इस बच्चे को भी ले जाइए। ठीक है ऋषिवर, ये लीजिए आधा बार सोना इस बच्चे के दाम का। अरे सेठ जी, आपने दोनों ग्रामीणों को भेज दिया है। हाँ सेठ, तो अब तुम्हारे हो गए, ले जाइए ले जाइए। चलो लड़की हमारे साथ चलिए। ठीक है स्वामी, अब हम चलते हैं स्वामी। क्या रही हो तारा? हाँ स्वामी, मुझे माफ कर देना तारा, और मेरे बेटे का ध्यान रखना। ये कभी तुम्हें तंग करे तो इसको डांटना नहीं। फिर फिलहाल मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। आए तेरी नन्ही जही जिंदगी दी होवे सदा आखें एहो रब के बेरिया तो हवा पुतीरा सदा सुखी बस सोने तू मेरे तो बगैर we'll be right back.
हमारे साथ चलिए, हमने आपका काम किया। अरे आखिरी चंदाल, अरे एक बार सोना जो बकाया रहता है वो भी मुझे दे, ताकि मैं भी चला जाऊं। ऋषिवर, जो सोना था उसको लोग ले गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू कैसा इंसान है, अपनी बीवी को भेज दिया, अपने बच्चे को भेज दिया, अपने आप को भी क्यों नहीं भेज देता। ऋषिवर, जो सोना था लोगों ने खरीद लिया, अब इस मिट्टी को खास खरीदेगा। अरे आवाज खुदा कर दे, अरे तू हर जा कट्टा है, तुझे भी कोई ना कोई तो खींच लेगा। कलुआ कहते कलुआ कलुआ ना गल सुन, अरे ओ गल सुन,
कोई बकरियां बेचदा, कोई भैंसा बेचदा, तू भैन दिया मामिया भदे बेचदा। मैं नहीं बेच रहा हूं, अपने आप को बेच रहा है। इसका दाम कितना है? इसका दाम एक बार सोना, एक बार सोना। आ जाकर खुद सोना लूंगा, आ जाकर जे नहीं ओए आ जाकर सोना सोना। इसको तो नीज है ओए सोना जाकर। अरे जे सोना नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध सोना चाहिए। अटेले टूटे हुए हुए आज जरा सोने का बसाया गुल्ला, ये सोने का बसाया हुए ओए साडे रेड़ियां मगर सोना, साडे टोकरियां मगर सोना, साडे झाड़ूआं मगर सोना। ऊपर बट्टे बन के रख दो। अरे सारे का तुम्हारा हाथ लगा हुआ है। अच्छा इसलिए जो भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा मुझे शुद्ध सोना चाहिए। शुद्ध सोना लूंगा। हम नीच जात के हाथों का सोना नहीं लेते। अच्छा मैं नीच? हाँ तू क्या है? हम ऊंची जात के हैं। काड़ो तेरी ऊंची जाति दी ऐसा दे तेरा दे। ले राम प्यारे ने अब तो बाद में आ रहा है और क्या करना, यही दे के काम सार लेने। आ जा कर क्या के एक बार सोना। अरे अब मुझे जाते धक्का में सौ बार स्नान को हाथ देगा तो ठीक है। जेल आदमी अब तुम्हारा है। ओ तो नर्म नर्म ओए उठा उठे आज लबियां ताड़ के क्या करता हुए हो यार। तो मेरी गल सुन जी मालिक। देख मैं तेरे ते शुद्ध सोना ला के तेनू खरीदया। जी मालिक। तेनू ए दस, पहले तो ए दस भी तेरा ना के आया। मालिक आप जो मर्जी कह सकते हैं। जो मर्जी क्या परिंदू कह लिया कर। कभी लोग हमें राजा हरिश्चंद्र कहते थे। बल्ला 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 ऐडा बड़ा नाम हरिचंद्र। लखेनू कहिए भैन दे मामे नू हरिचंद्र। ओ तेनू हरिया कह के हाथ मारनी हरिया कह के। ठीक है मालिक आपकी जो इच्छा हो आप कह सकते हैं। आ फड़ चल टोकरा, आ फड़ ला झाड़ू, चल पहला तेन अपनी राम प्यारी को मिला के लिया। राम प्यारी राम प्यारी राम प्यारी राम प्यारी। आपका नाम है? ओ राम प्यारी। भाई राम प्यारी आपका नाम है? ओ मेरा नाम राम प्यारी है। मुछाड़ी भी कदम राम प्यारी हुई है। मेरे घरवाली 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 बीवी। हाँ आपकी पत्नी। हाँ आजा पहला तेन राम प्यारी ने मिला के लिया। हाँ कांचीपुर आज
बच्चे भी नाल लै जा, ले आता बहुत ज्यादा रोटियां पानी वास्ते। ठीक है मालके, आपने मुझे ये बस्तर दिए हैं, मैं अभी घाट पर जाकर इन्हें धोकर आपके पास लेकर आती हूँ। झाड़ू लाना शुरू कर दे, पर
है मलिक। कलू कोई भी मेनू ये गल ना कहे पे कलुआ तेरे नौकर ने मेरे नहीं फेरिया, मेरे नहीं फेरिया, मेरे नहीं फेरिया, सारिया दे फेर के आना झाड़ू। ठीक है मलिक, समझ लगी? ठीक है, चल चक ला टोकरा, चल ला पिया, तेरे होर काम दसा। किस्मत जिनके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी हुई थी, आज वो खुद किसी के घर में नौकर बने हुए हैं। इसी को कहते हैं किस्मत के खेल। ਮਠਿਆਈ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਦੀਵਾਲੀ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ।
माफी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, तेरे मालिक नु हाथ मारता मैं। ओ कलुआ, ओ कलुआ, ओ कलुआ, ओ सेठा, ओ सेठा, ओ कलुआ, ओ सेठा, ओ सेठा, ओ सेठा, तेरी सेठी जी मुंह त्यार। ओ कलुआ, ओ कलुआ, ओ कलुआ की होता, ओ कलुआ जी नहीं कहूंगा, ओ परमटे पा दू, ओ कलुआ, ओ कलुआ जी नहीं कहूंगा, ते क्यों कहिए जी, बहुत बड़ा तू अफसर लगा है। क्या कह रही है? ओ मेरी गल थोड़ा नौकर तह रखे, ओ तेरी मां ने रखे है। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ?
चल तू फिर अगर 400 दे दी और घट कर कुछ हूं ए तो घट गया गल नहीं है यार चल पहुंचदा मैं तेरे घरे चल चल परे हो मेरी तीवी रुपया ना दे मेनू रुपया दे चाहे 200 दे दे मेरे घर वाले ते कह के गया ऐदा कह के तेरे पता होता सिरे दा अमली आ आहो तू ऐदा करी ओने 200 ना दे हां तू मेनू 100 रुपया दे दे 100 रुपया दे दे चल आ गया तेरे घर चल आ गया तन्नू तो देना चेक कट के 100 वाला बाहर ओ पाण दे नपड़ा बाहर आ जरा ओ सेठा ओ ले आ पैसे ओ गल सुन ला आहो पाण दे आ मामे आ मेनू दे दे चाहे रुपये पंजाह दे दे ओ मेरी गल सुन ला करूआ मेरी तीवी नू रुपया ना दे मेनू दे दे चाहे रुपये भी दे दे कहना भी दे दी भी तू ऐसा कर मेनू 5 रुपये दे दे 5 रुपये 5 रुपये चल आ गया तेरे घरे जाके बाहर आ ओ सिग्नल आया बाहर आ जाना बाहर आ जाना ले आया ले आया भाई तो तेरी घर वाली क्या कहती है की कहती है तेरी घर वाली कहती मेरे पति नु रुपया नहीं कोई ना है कहती मेनू दे दे 4 रुपये 5 दे दे 5 रुपये 5 रुपये मेरी गल सुन ला हां भाई तू हो जा साइड ते हुण गल बण मारी ना साइड ते हो जा ठीक है हुण मैं ही गल करदा ए सजानिया I told you.
जी मैं आपका घड़ा
उठवा सकती हूँ। शहर में कलुए की नौकरी करता हूँ और घर घर में पानी पहुंचाता हूँ। स्वामी आपका जी क्या हाल हो चुका है? तारा पीछे क्यों हट गई? तारा ये घड़ा उठवाने में मेरी मदद नहीं करोगी? नहीं स्वामी, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती क्योंकि आप तो नीचों के घर पे नौकरी करते हो और मैं तो सेठों के घर पे काम करती हूँ। अगर मेरे मालिक को ऐसा पता चल गया तो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। तारा मेरा बेटा कैसा है? तारा स्वामी आपका बेटा सारा दिन मुझसे यही पूछता रहता है कि हमारे पिताजी कब आएंगे कब आएंगे। जब अगली बार तुम इस घर में बस्तर भरने के लिए आओगा तो मेरे बेटे को साथ में आना। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे दूर से देख लूंगा, उसके पास नहीं आऊंगा। स्वामी मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ सर। जहाँ से थोड़ी दूरी पर बहुत डूंगाई का पानी है आप वहाँ भी चले जाइए, जी गड़ा अपने आप आपके कंधे पे आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तारा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है स्वामी अब हम चलते हैं। Hey!
मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा जी, क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों 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 क्यों? अरे मैंने कहा था आपको कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा काम तो किया नहीं, खाने का केसो पहले पड़ गया। ओ गल सुन ला ओए, ए राम कह दे। हां करूंगा, किता करनी है? मैं तो मेरी गल सुन ला, इनो ती काम ते तार रखना। जे मेरा घड़ा मेरे दे घड़गा खजाना ले के होगा मां। ओए ओए मेरी गल सुन ला, आ घड़गा खजाना ले आ दे, फेर घर च रखूंगा। मैं कहां से लाऊंगा? ओ मेरी गल सुन ला, क्या काचीपुर शहर दे लोग बड़े चंगे आ। जे किसे ने 1-2 रुपये देते तां ले आई, तां समझ ले तेरे घर दे विच एंट्री आ, नहीं तां फेर नो एंट्री आ। समझ लगे? जा लड़का। कोई गल नहीं बाली। Thank you.
मुझे निकाली का मतलब नहीं करता वे, नहीं करता राम पे आ गए ए राम पे आ गए मैं के की गल होई कल हुआ क्या अंदरों मेरी सलवार चक के ए मेरी का सुनो सलवार नहीं हुंदी हां ए तलवार हुंदी तलवार आ तलवार चक के लिया तलवार चक के मुड़े ले के मैं ले अपना तलवार उठा कर लेला ले आ के तेरा तलवार ले इसको क्या करो मालिक मेरे पेट मार मेरे काम मेरा अरे आप मेरे मालिक है मैं ऐसे कैसे कर सकता ओए क्या काशीपुर शहर के शमशान घाट के विच चला जा ठीक है मालिक क्या उठे जाके पहरा दे दे मुर्दे जलाण का काम शुरू कर दे ठीक है मालिक पर मुर्दा ऐसा नहीं फूकना जी एक सोने का टका एक कफन चंद लकड़ियां लेके ता मुर्दा फूकना है पर जे किसे नु सजाए मौत होवे आ गला ते ओदा कृपान नाल लाज लेकिन मैंने तो कभी किसी को कहा नहीं ओ बंदे बनाने ते तो कहते मैं मैसा बना के पानी कह दता कोशिश करके लिख लेता हूं हैं चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा आगे हो जाइए थोड़े आगे हो गए मामा खेला करता है इधर नहीं बंदा बनी का तीन ते बंदा बढ़ना और चिप की रख रही बढ़ बंदा मैं चंगा होया मर गया चंगा होया सारी दिहाड़ी मैं काम कर लाई रखता से चाची के बंदे ने ब्याह कराया हूं मैं चक के देखती है एक बार ठीक है मालिक।
Thank you.
मेरे पति को
करने की कोई भी खबर नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पति को अपने बेटे के मरने तक का पता नहीं है? नहीं। और तुमने उसको बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैंने यही सुना है मेरा पति किसी नगरी में किसी कलुए के घर में नौकरी करता है। कलुआ, कलुए के यहाँ तो मैं भी नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हारा बेटा इसका नाम रोहित है? हाँ।
दर्द ठीक है कर रहा है। नहीं Thank you.
मैं लोगों से कुछ पैसे मांग कर रही हूँ। लाओ तारा, अब मैं तेरे बेटे का संस्कार जरूर कर दूंगा। कुछ नहीं है तो फिर क्या करूं मालिक? ना उसके पास कोई टका ना कपड़ा ना लकड़ी। जी भैया। जी मालिक। ऐसा कर। जी मेरे बेटे का संस्कार कर दे हरिया, पर इस औरत को भी उस जगह दे बिच जला दे, क्योंकि कल लोगों फ्री च मुड़ते जलाने की आदत पै गई। हरिया ठीक है मालिक। जी सर, मेरे मालिक ने कहा है कि तुम्हारे बेटे का संस्कार कर दो। और साथ में उन्होंने एक शर्त रखी है। कौन सी स्वामी? कि इसका तो संस्कार कर दो, लेकिन साथ में उसको भी जिंदा जला दो जो इसका संस्कार करने के लिए है। स्वामी, अगर मैं आपके हाथों से मरूंगी, मैं तो सीधे स्वर्ग लोक में जाऊंगी। मेरे हाथों से मर के तू तो स्वर्ग को चले जाएगी, लेकिन मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे पगली, मुझे भी तो बता के मैं कहां जाऊं? अगर संस्कार नहीं करता तो तुम मुझसे झूठा, अगर तुझे नहीं जलाऊंगा तो अपने मालिक से झूठा। तारा, खुली आंखों से मैं तेरा कत्ल नहीं कर सकता। ऐसा करो, मेरी आंखों पे पट्टी बांधो ताकि मैं तेरा कत्ल करके इसी के साथ तुझे भी जला दूं। ठीक है स्वामी, मैं अभी आपकी आंखें बांध देती हूं। जिंदगी की शाम पे गई है।
अपने पिता